सबको इक्तदार का नशा है, अल्लाह की कसम है सबको इक्तदार का नशा है। मैं ये बात सरेआम कहती हूँ, आज इनसे प्रोटोकॉल ले लें, इनकी शक्लें देखें, इनको प्रोटोकॉल दे दें आप, इनकी आकर देख लें। मैंने जो देखा है, मैंने इनके भुजते चेहरे भी देखे हैं, मैंने इनकी इनके में गरूर भी देखा है। हकीकत आजादी मार्च, अब मेरा मतलब है कि अब ऐसे लगता है कि ये कोई ड्रामा हो रहा है, बाकायदा मीडिया पे अब वो जर्नलिज्म के ऊपर जो है वो अटैक हुआ है वो सिर्फ। अजय, इस वक्त हमारे साथ सदस्य मौजूद है, सीनियर एंकर है, और अगर लाहौर में रिपोर्टिंग और एंकरिंग की बात की जाए और इनका नाम ना लिया जाए तो मेरे ख्याल में हमारे लिए बहुत बड़ा गुनाह है, और वाकई बहुत बड़ी सीनियर एंकर है। सवाल बड़ा तलख है, और आप बहुत जबरदस्त आपका एनालिटिकल आपका जो चीजें हैं वो, ये क्या हकीकी आजादी मार्च होता क्या? देखिए, हकीकी आजादी मार्च होता है कि हम 14 अगस्त को हमेशा जश्न मनाते हैं, बट अगर ये एक हकीकी आजादी मार्च मनाया जा रहा है तो मेरे ख्याल से हम एक आजाद कौम है, हम इसको जश्न की तरह मनाना चाहिए, हमें इसको कॉन्ट्रोवर्सी करके जो है वो नहीं मनाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, लाहौर में एक जलसा हो रहा है, खान साहब का जलसा हो रहा है, चाहिए यही था कि इसको जलसा कंसीडर करते। पीछे से हम देख रहे हैं 25 मई वाला हकीकी आजादी, हकीकी असल हकीकी आजादी ये जो खान साहब कहते हैं बात, ये हकीकी आजादी होती है? देखिए, मेरा इस पे ये कहना है कि बेसिकली होता ही है कि जैसे हम जर्नलिस्ट हैं, हम तो दोनों तरफ चलते हैं, पार्टी चाहे जो भी हो, बात इस वक्त सिर्फ आवाम की है। हकीकी आजादी की अगर बात करें ना, तो मैं समझती हूँ कि आप लोगों को आपस में लड़ाई बंद कर देनी चाहिए, ठीक है, आप लोगों को एक टेबल पे बैठ के मिलके बात करनी चाहिए, ये नहीं एक दूसरे के ऊपर जुमलाबाजी, इसको आवाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आप और हम लोग साथी हैं, हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सदर, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं माधरा चाहता हूँ, आप हमारी सीनियर है, वो टाइम आ गया है, अब मीडिया मीडिया में लड़ रहा है, साफी साफत में लड़ रहा है, वर्कर वर्कर से लड़ रहा है, सियासी जमातें आपस में लड़ रही हैं, ये माहौल पहले नहीं देखा था हमने? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, माहौल पहले नहीं देखा था, और वाकई हकीकत बात है कि बाकायदा मीडिया पे अब वो जर्नलिज्म के ऊपर जो है वो अटैक हुआ है वो सिर्फ इस वजह से हुआ है कि सोशल मीडिया जब से आया है सोशल मीडिया की पावर दिखाई गई है सहाफत को, ठीक है। अब अगर आप बात करेंगे सोशल मीडिया की, तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, अब 10 लाख खबरें चला लें सोशल मीडिया पे, जब तक वेरीफाई उसको टीवी या अखबार नहीं करेगा ना, तो वो आपकी खबर आपको कहीं से भी आपको उसका प्रूफ नहीं दे सकते। आप पब्लिक उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करती, आप पब्लिक उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करती, जो टीवी पे चैनल्स पे चल रहा है, जो शोज में चल रहा है, पब्लिक वो देखती है, जो अखबार में छपता है वो, सोशल मीडिया पे तो फिर नहीं होती है, वायरल हो रही थी वो होती है, आप कंफ्यूजन में होता है। तो हकीकी आजादी मार्च, अब मेरा मतलब है कि अब ऐसे लगता है कि ये कोई ड्रामा हो रहा है, यकीन जाने मुझे ऐसा लगता है कोई ड्रामा जैसे जिंदगी का हिस्सा बन गया। यार क्या आप लोगों ने दो दो इलेक्शंस करवाए, क्या आप लोगों ने वजीरा के दो दो इलेक्शन कराए, क्या आप लोगों ने ये क्या कहते हैं जिन्नी इंतखाबात, और अगर आप हम लोग हिस्ट्री में चले जाएं बजट पास कराने के लिए, इतने इश्यूज ये जिंदगी में मैंने जितने जब से जर्नलिज्म कर लो मैंने इसे कभी भी नहीं देखा, गैर आइनी काम हुए, अपने धड़ल्ले से हर चीज बनवा ली, ये मैंने कहीं भी नहीं। आपको लगता है सदफ जिस तरह इस बार लड़ाई चल रही है और पंजे आजमाया, सींग में सींग घुस चुके हैं और लड़ाई जोरों शोर से जारी है, कुछ तीसरी कुव्वत इनको लड़ा कर आना चाहती है? बिल्कुल, तीसरी कुव्वत इनको लड़ा के हराना चाहती है, और ये इन लोगों को समझना चाहिए, अगर हम साफी समझ सकते हैं तो ये तो बहुत हमसे बड़े सियासतदान हैं, ठीक है। अगर देखिए मेरी बात सुने, हम लोग रहते हैं एक पार्टी की तरफ भी रहते हैं, हम दूसरी तीसरी इन सब पार्टियों के साथ हम लोग मिलते हैं, सबको इक्तदार का नशा है, अल्लाह की कसम है सबको इक्तदार का नशा है। मैं ये बात सरेआम कहती हूँ, आज इनसे प्रोटोकॉल ले लें, इनकी शक्लें देखें, इनको प्रोटोकॉल दे दें आप, इनकी आकर देख लें। मैंने जो देखा है, मैंने इनके भुजते चेहरे भी देखे हैं, मैंने इनकी इनके में गरूर भी देखा है, ठीक है, मगर मैं उस वक्त बस फिर मैं उस वक्त का इंतजार कर रही थी कि अच्छा उस वक्त मिलेंगे जब तुम कभी नीचे उतरोगे, ठीक है। तो बहरहाल ऐसे बहुत से चेहरे जो है वो वाजे होते हैं जब वो अपने इक्तदार में होते हैं, तो अगर मैं बात करूं तो अगर ये लोग भी जब हुकूमत में आते हैं तो ये भी किसी को आंखें नहीं फिराते, अगर वो हुकूमत में आते हैं तो वो भी ऐसे करते हैं, तो साफी तो एक सारी जिंदगी यही चीज देखता रहता है, अपोजिशन और हुकूमत, अपोजिशन हुकूमत। अरे सहाफत में भी ये चीज, अब उनको ये औकात दिखानी चाहिए, मैं तो जिनके इंटरव्यू करता हूँ मैं कम अज कम उनको ये औकात दिखाता हूँ कि आज आप ये हैं कल आप वहाँ होंगे, अब हम वहाँ पहुँचेंगे। तो ऐसे इंसानियत चैनल के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम तर नोटिफिकेशन से बाखबर रह सकें। शुक्रिया।